हेलो दर्शकों, मैं आपकी होस्ट शालिनी वेलनेस चैनल के शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बाजार में गोरा बनाने वाले चने कितने प्रोडक्ट्स बिकते हैं, अब इनसे कितना फ़ायदा होता है, इस बहस में ना पड़ते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि रंग गोरा हो या सांवला, अच्छा वही चेहरा लगता है जिस चेहरे में कशिश हो, जिस चेहरे में आकर्षण हो, जिस चेहरे पर चमक हो। और इसके लिए आपको कोई क्रीम पाउडर नहीं खरीदना, बस वो चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है जिनमें से ज़्यादातर आपके किचन में मौजूद हैं। मैं ये टिप्स शुरू करूं उससे पहले एक बात खास तौर पे बताना चाहूँगी, आप पानी खूब पिएं, इससे आपकी स्किन ही नहीं आपकी हेल्थ भी चमक उठेगी। खैर, तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला नुस्खा है हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है और एंटीसेप्टिक भी। चेहरे की रंगत संवारने में तो इसका जवाब नहीं। आप हल्दी को आटे के साथ उपटन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो उसमें थोड़ी मलाई मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 10 मिनट बाद चेहरा सादे पानी से धो दें। अगर आप उपटन बनाने का झंझट ना करना चाहें तो पिसी हल्दी में गुलाब जल मिलाकर भी नुस्खा आजमा सकते हैं। कुछ दिन करके देखिए, फर्क नजर आएगा। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की। दोस्तों, उपटन की बात चली है तो सबसे ज़्यादा बेसन और सरसों के तेल के उपटन का इस्तेमाल किया जाता है। आप 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और उसको चेहरे के साथ साथ पूरे बदन पर लगा लें। कुछ देर बाद सादे पानी से नहा लें। इससे आपकी स्किन पर चमक तो आएगी ही, स्किन का रूखापन भी दूर हो जाएगा। शादी ब्याह में दूल्हे दुल्हन को यही उपटन तो लगाते हैं। ये रहा तीसरा नुस्खा। वैसे बेसन के उपटन में तो दूध काम करता ही है, स्किन पर चमक लाने के लिए दूध अकेला भी काफ़ी है। रात को सोते समय थोड़ा सा कच्चा दूध अपने चेहरे पर और गर्दन में मल लें और कुछ देर बाद सादे पानी से धो लें। दूध आपके लिए क्लेंजर का काम करता है। यूं भी अगर आपने दिन में मेकअप किया है तो सोने से पहले मेकअप हटाना ज़रूरी है और कच्चा दूध ये काम बहुत अच्छे से करता है। अब चलते हैं चौथे नुस्खे की ओर। स्किन के मामले में दूध के साथ साथ दही भी कम काम की चीज़ नहीं है। दही यूं तो बेसन के उपटन में भी अच्छा काम करता है। दही में थोड़ा सा केसर अच्छी तरह से मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं और पूरी तरह सूख जाने के बाद सादे पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में आप जान लेंगे कि त्वचा का निखार आना किसे कहते हैं। हमारा जो पाँचवा नुस्खा है ना, ये स्किन पर चमक तो लाता ही है, कील मुहासे और स्किन की एलर्जी को भी दूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदन की। चंदन पाउडर में थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा टमाटर का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर और गर्दन पर अच्छी तरह लगा लें। कुछ देर बाद इसे अच्छी तरह धो लें। चाहें तो चेहरे के साथ ये पेस्ट बदन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसका रिजल्ट देख के आप खुद गुनगुनाएंगे, चंदन सा बदन चंचल चितवन। अब चलते हैं छठी टिप की ओर। जिस तरह चंदन को नेचर का गिफ्ट कहा जाता है, उसी तरह शहद को नेचुरल डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि ये हर रोग में फ़ायदा करता है। पर यहाँ बात हो रही है चेहरे की रंगत की। थोड़ा सा शहद अपने चेहरे पर और गर्दन पर लगाकर अच्छी तरह मालिश कर लें। जब शहद एकदम सूख जाए तो गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपके चेहरे में चमक तो आएगी ही, स्किन में नमी भी रहेगी और कसाव भी आएगा। अब सातवां और आखिरी नुस्खा जो है संतरा। विटामिन सी से भरपूर संतरा खाने या उसका जूस पीने से स्किन पे चमक तो आती ही है। संतरे का छिलका भी स्किन के लिए बड़ी काम की चीज़ होता है। संतरे का छिलका सुखा लें और पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं और सूखने के बाद सादे पानी से धो लें। कुछ दिन रोज़ाना ये फॉर्मूला अपनाने से थोड़े ही दिनों में आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे चेहरे पर चमक और दमक लाने के लिए 7 घरेलू नुस्खे। इन्हें आजमाइए और कीजिए इंतज़ार इस शो के अगले एपिसोड का, जहां हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही नुस्खे लेके। अभी मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वेलनेस चैनल, आपका अपना फैमिली डॉक्टर।